नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो बांग्लादेश में फिर से प्रोटेस्ट इरप्ट हो गए हैं। बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वे वायलेंट स्वरूप भी ले रहे हैं। अब ये जो प्रोटेस्ट हैं वो हाल ही में शुरू नहीं हुए, ये शुरू हुए थे पिछले महीने तकरीबन 2 से 3 हफ्ते पहले, जिसके बारे में हमने आपको एक वीडियो साझा करके इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। अब वो जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट बताए जा रहे थे, जहां पर पूरे बांग्लादेश में से अचानक कई सारे स्टूडेंट्स एक साथ रास्ते पर आ गए थे और उन लोगों ने वहां पर बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा दिया जाता है, जो कि तकरीबन 56% का था, उसके सामने प्रोटेस्ट किए थे। उसके समर्थन में जो ऑपोजिशन पार्टी है खालिदा जिया की, बीएनपी, वो भी आ गई थी और उन लोगों ने भी इन प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था। धीरे धीरे करके ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए थे और उनको कंट्रोल करने के लिए वहां की जो पुलिस है और वहां की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन लोगों ने बहुत ही हैवी हैंडेडली उनके ऊपर क्रैकडाउन्स किए थे। उसके बाद बांग्लादेश की जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक्शन में आई और उन्होंने ये बताया कि वे लोग ये जो पर्टिकुलर कोटा सिस्टम वहां पर चल रहा है, जहां पर 56% कोटा पब्लिक जॉब्स में दिया जा रहा है जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके फैमिली वालों को, उसके ऊपर सुनवाई करने के लिए वे लोग तैयार है। बाद में जुलाई के 3rd वीक में ये खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने अल्टीमेटली ये डिसीजन लिया कि वो जो 56% का कोटा दिया जा रहा था वो बहुत ही ज्यादा था, तो उसको कर्व कर उसको कट डाउन करके 7% पे ले आया गया। प्रोटेस्टर की उस समय जो मांग थी वो ये थी कि वो जो कोटा है उसको कट डाउन करके 5% पे ले आया जाए, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया उसको ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने प्रोटेस्ट थोड़े समय के लिए बंद कर। अब उस समय हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने बताया था कि ये जो सब प्रोटेस्ट चल रहे हैं और जिस तरह से ऑल ऑफ अ सडन पूरे बांग्लादेश में से जो स्टूडेंट्स बाहर निकलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये थोड़ा बहुत सस्पिशियस है। उसके लिए हमने उस समय जो गतिविधियां हो रही थी बांग्लादेश में और उसके पहले जो भी गतिविधियां हुई, जो शेख हसीना का बयान आया और जो अलग अलग एक्टिविटीज हुई, उनके ऊपर नजर डाली और उसके बारे में भी आपके साथ डिस्कस किया था। तो उसी के ऊपर चलते हुए हमने ये बताया था कि वो जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो एक्चुअली स्टूडेंट प्रोटेस्ट ना होकर रेजिम चेंज ऑपरेशन दिखाई पड़ता। फिर भी कुछ हद तक हम ये मानने को तैयार थे कि स्टूडेंट्स ऑल ऑफ अ सडन एक साथ बाहर निकल आए पूरे बांग्लादेश और उन्होंने इस कोटा के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किए होंगे। बाद में थोड़े बहुत समय के लिए वो प्रोटेस्ट रुक गए, लेकिन फिर से रिसेंटली पिछले 2-3 दिनों से प्रोटेस्ट फिर से शुरू हो गए और ये जो प्रोटेस्ट हैं उन्होंने भी वायलेंट स्वरूप ले लिया है, बहुत ही आक्रामक स्वरूप ले लिया है। अब इसमें उन लोगों की जो इस बार मांग है वो ये है कि ये जो करंट शेख हसीना की गवर्नमेंट है बांग्लादेश में, उसको हटाया जाए और बांग्लादेश में इलेक्शंस करवाए जाए। अब शेख हसीना की गवर्नमेंट को हटाने का मतलब है कि चाइना और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो लोग डायरेक्टली ऐसे पपेट को वहां पर बिठाएंगे, खालिदा जिया को, जो कि उन लोगों के हिसाब से काम करेंगे, जो कि उन लोगों को कोऑपरेट करेंगे, जिस तरह से उन लोगों को बिहेव करना है उस तरह से वहां पर बांग्लादेश में बिहेव किया जाएगा, उस तरह से वहां पर पॉलिसीज बनाई जाएंगी। तो उसी के चलते हमने ये आकलन लगाया था कि ये जो पूरा एक प्रोटेस्ट का माहौल वहां पर खड़ा किया गया है वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट ना होते हुए एक रेजिम चेंज ऑपरेशन दिखाई पड़ रहा है। कई सारे लोग होंगे जो हमारी इस बात से उस समय सहमत नहीं थे, लेकिन अल्टीमेटली वही चीज निकलकर सामने आई कि इस बार कुछ ही दिनों के पॉज के बाद फिर से प्रोटेस्ट शुरू हुए और उसी तरह का आक्रामक स्वरूप उसने ले लिया जिस तरह का उसने 2 से 3 हफ्ते पहले लिया था। लेकिन इस समय उनकी जो मांग है वो काफी ही डायरेक्ट है। वे लोग चाहते हैं कि शेख हसीना रिजाइन कर दे, जबकि हकीकत यह है कि शेख हसीना ने अभी 2 दिन पहले ही ये स्टेटमेंट दिया कि वहां पर जो भी स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया है उसमें से जो भी ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई भी हैवी क्राइम के आरोप नहीं लगे हैं, जैसे कि हत्या का आरोप या फिर ऐसा कोई, उन स्टूडेंट्स को छोड़ दिया जाए। साथ ही में उन्होंने जो भी वहां पर पुलिसकर्मी है उनको करंट जो सिचुएशन है उसको थोड़ा केयरफुली हैंडल करने के लिए भी बताया। तो उसी के चलते जो इस बार क्रैकडाउन हो रहे हैं वो कंपैरेटिवली लाइट हो रहे हैं, उतने हार्श क्रैकडाउन नहीं हो रहे हैं जिस तरह से स्टूडेंट प्रोटेस्ट के समय पहले 2 से 3 हफ्ते पहले पिछले महीने में हो रहे थे। लेकिन फिर भी वहां पर जो केरोसिन छिड़का गया है और अल्टीमेटली जो आग लगाई गई है, सुना सुना सा लग रहा है, राइट? उसी प्रकार से जो भारत में हो रहा है उसी प्रकार से वहां पर भी केरोसिन छिड़का गया था और अल्टीमेटली चिंगारी लगा दी गई जिससे पूरा बांग्लादेश सुलग रहा है।
उसको बुझाने का और कोई भी तरीका सामने नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी शेख हसीना वहां पर खड़ी हैं। कई सारे वहां पर बांग्लादेश में लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि इस प्रकार का कोई भी प्रोटेस्ट ना हो, शेख हसीना की गवर्नमेंट बनी रहे, क्योंकि उससे बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है उसको बेनिफिट होता है। कोई भी रैंडम ऐसे डिसीजन नहीं लिए जाते जिससे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बांग्लादेश की गवर्नमेंट को कंट्रोल करे। तो उसी के चलते बहुत सारे लोग बांग्लादेश में ऐसे हैं जो आज भी शेख हसीना को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये जो तो बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रोटेस्टर्स को रास्ते पर उतारा गया है, प्रॉब्ली पेड प्रोटेस्टर्स को रास्ते पर उतारा गया है, और पूरा बांग्लादेश चल रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं चाइना और यूएस डीप स्टेट का हाथ हो ऐसा मालूम पड़ता है। अब कई सारे एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो इसमें चाइना का हाथ बता रहे हैं, तो उसकी भी संभावनाएं हैं, क्योंकि रिसेंटली जो शेख हसीना ने चाइना विजिट की थी उसमें उन्होंने उस विजिट को कट शॉर्ट करके वो वापस आ गई थी। रीजन उसका ये था कि चाइना बांग्लादेश को $5 बिलियन देगा, लेकिन बाद में जब शेख हसीना वहां गए तो उस समय कुछ मिलियन डॉलर्स ही देने की बात की जा रही। तो उसी के चलते संभवतः शेख हसीना ने अपनी जो ट्रिप थी उसको कट शॉर्ट कर दिया चाइना की ट्रिप को, और वापस बांग्लादेश आ गई, और उसके तुरंत ही बाद भारत के साथ काम करने की बात कही। तो उसी के चलते संभव है कि चाइना के द्वारा अपने जो पिट्ठू वहां पर लगाए गए हैं उनका उपयोग करके पूरे बांग्लादेश को हाल में चलाया जा रहा है, प्रॉबेबली बीएनपी का भी यूज कर, या फिर यूएस डीप स्टेट यहां पर ये गतिविधियां करवा रहा है क्योंकि उसको क्रिश्चियन स्टेट चाहिए। अब अगर आपको वो सब डिटेल्स जाननी है तो हमारा जो 2 से 3 हफ्ते पहले हमने वीडियो शेयर किया था वो जाकर देखें, यहां पर कहीं पर लगा होगा तो जाकर जरूर देखें ताकि आपको पूरी डिटेल पता चले कि कौन कौन से ऐसे एक्सटर्नल प्लेयर्स और इंटरनल प्लेयर्स हैं जो इस पूरे प्रोटेस्ट से बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं, जाके वो वीडियो जरूर देखें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।